तो भैया फाइनली गेम ख़त्म हो गया है। कौन सा गेम ख़त्म हो गया आपको पीछे दिख ही रहा होगा, गोस्ट ऑफ सुशीमा। जी हाँ, गोस्ट ऑफ सुशीमा ख़त्म हो चुका है, मतलब मैंने ख़त्म कर लिया। तो टाइम हो गया रिव्यू का, टाइम खराब नहीं करते, रिव्यू स्टार्ट करते हैं फटाफट। चैनल सब्सक्राइब कर लेते बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो आप कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने काम की ओर, जो इसके लिए हम यहाँ आए। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेम के प्लॉट की, गेम की हार्डनेस की, गेम के गेम प्ले की, और गेम किस टाइप का है, गेम में नया क्या है, आपको गेम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हर सी बात रिव्यू है तो इन बातों को हम कवर इसमें ज़रूर करेंगे। गेम हमारा रिलीज़ हुआ 17 जुलाई को, और इसे डेवलप किया है सकर पंच ने, और पब्लिश किया है सोनी एंटरटेनमेंट ने। सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट कहूँ अगर मैं तो भाई सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट ने इसे पब्लिश किया। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ये एक्सक्लूसिव है प्लेस्टेशन का, और अगर आपको इसे खेलना है तो आपको प्लेस्टेशन लेना ही पड़ेगा। तो भाई गेम जो शूटर वूटर का नहीं है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, गेम बेसिकली एक्शन एडवेंचर टाइप का, और एक्शन एडवेंचर टाइप में भी है यह है ओपन वर्ल्ड, यानी कि हॉरर टाइप का नहीं है, ओपन वर्ल्ड टाइप का गेम है और एक्शन एडवेंचर में है, जो कि कुछ समुराई काल का है, मतलब समुराई एज थी उसका आप कह सकते हैं इसको। तो भैया गेम का प्लॉट क्या है ये आपको बता देते हैं एक बार। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, समुराई एज का गेम है। जब मंगोल्स ने जापान पे इन्वेजन किया था, इन्वेजन मतलब आक्रमण किया था, अतिक्रमण किया था, तो वहाँ पे एक आइलैंड है सुशीमा नाम का, सच में आइलैंड है। एक आप मैप देखेंगे तो आपको पता लगेगा एक सुशीमा नाम का छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे भी मंगोल्स ने इन्वेजन किया था। तो ये बेसिकली स्टोरी जो है उसी से इंस्पायर्ड है, उसी को इसमें दिखाया गया है। और हमारा जो हीरो है इसमें एक जैसी बात अभी समुराई होगा, तो उसका नाम है जिन। जिन जो है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, हीरो कह लें, या हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिन है। और वो कैसे अपने आइलैंड को बचाता है मंगोल से, अपने अंकल को कैसे बचाता है, क्या क्या वो सेक्रीफाइस करता है उसके लिए, एंड में उसे क्या मिलता है जो वो करता है उसके लिए, और उसकी एक स्टोरी है बेसिकली हम कहें तो, उसके बचपन की, उसकी मेमोरीज, जो भी हम गेम को एक छोटे शब्दों में कहें तो ऐसा कह सकते हैं। तो बेसिकली आपको स्टोरी जिन से ही खेलनी है, और उसी की स्टोरी ये है गेम पूरा टोटल। तो बेसिकली समराइज जो है वो एक कोड के अनुसार रहते हैं। कोड मतलब समराइ का एक नियम कानून होता है, यानी समराइ कभी पीछे से वार नहीं करता, समराइ सम्मान के साथ लड़ता है, समराइ डरा के नहीं लड़ता, छुप के वार नहीं करता। ये वो बहुत लंबे चौड़े इसके जो सिद्धांत हैं समराइज के, वो हैं वो जहर सी बात, अब जिन समराइ तो उसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अपने टाउन को बचाने के लिए, अपने सुशीमा को बचाने के लिए वो इन सब चीज़ों को छोड़ता है और इन चीज़ों के अपोजिट जाता है, यानी कि वो अपने सारा जो सम्मान है और जो भी उसने सीखा है समराइज के, जो भी स्किल्स हैं, जो भी कोड हैं समराइज के, वो सब वो छोड़ के उल्टा जाता है सिर्फ अपने अंकल और अपने टाउन को बचाने के लिए। तो बेसिकली यही हमारी स्टोरी है। और अगर आपके ज़्यादा खुजली हो रही है तो आप पूरा गेम देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं, मतलब गेम को मैंने वीडियो की तरह कंपाइल किया है, कटसिंस मिला के टोटल, तो आप पूरे गेम को एंजॉय कर सकते हैं जस्ट लाइक ए मूवी। तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो भैया बात कर लेते हैं गेम में नया क्या है। भाई ओपन वर्ल्ड गेम तो पहले ही बहुत सारे आ चुके हैं, समुराई से रिलेटेड जैपनीज गेम भी बहुत सारे आ चुके हैं, तो इस गेम में नया क्या है। पहली बात तो ये गेम डेवलप किया है सकर पंच ने, जो कि मेरे ख्याल से एक अमेरिकन डेवलपर है, जैपनीज डेवलपर नहीं है गेम का। तो वो एक अमेरिकन डेवलपर ने एक जैपनीज गेम डेवलप किया, ये बड़ा चैलेंजिंग है और बहुत ही भैया बहुत बढ़िया डेवलप किया गेम, मतलब मैं गेम खेल चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ बहुत बढ़िया है। मतलब एक अमेरिकन डेवलपर से ऐसा बढ़िया जैपनीज गेम होने की उम्मीद की नहीं जा सकती, तो बट लेकिन सकर पंच ने किया है इस बार, तो ये तो काबिल तारीफ़ है। दूसरी चीज़ गेम में जो आपको जैपनीज़ ब्यूटी देखने में, जैपनीज़ ब्यूटी से मेरा मतलब जैपनीज़ लड़कियां नहीं है भाई साहब, गलत अंदाजा मत निकालना। मेरे कहने का मतलब जो समुराई एज में रही होगी ब्यूटी, यानी कि नेचुरल ब्यूटी, जैसे पेड़ पौधे जंगल्स जो भी फूल वगैरह, मतलब क्या बताऊँ, मतलब ग्राफिक्स के बारे में कहूँ तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा देखने में गेम। दूसरा ये ओपन वर्ल्ड है प्लस समुराई गेम है, मतलब एक समुराई टाइप का गेम और वो भी ओपन वर्ल्ड में, ये एक पहला कॉन्सेप्ट है। मैंने तो ऐसा कोई खेला नहीं जिसमें समुराई टाइप का गेम हो, मतलब समुराई से रिलेटेड गेम हो और हमारा ओपन वर्ल्ड, ये दोनों चीज़ों कॉम्बिनेशन तो पहली बार आपको देखने को मिलेगा इसमें। जैसे कि हमने नियो है और सेकिरो खेला होगा आपने, मतलब ये जैपनीज टाइप के गेम है लेकिन इनमें ओपन वर्ल्ड नहीं है, तो ये ओपन वर्ल्ड में समुराई ये कुछ मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन है, काफ़ी पसंद आएगा आप लोगों को, मतलब मेरे को तो इसमें नया लगा जो देखने को आपको मिलेगा नया इसमें। तो भैया इसको मैं ग्राफिक इंटेंस कहने की बजाय मैं मतलब बहुत अच्छे हैवी ग्राफिक्स हैं, बहुत ज़बरदस्त ग्राफिक्स हैं ऐसा कहने की बजाय मैं इस गेम को ये कहूँगा कि गेम जो है ग्राफिक्स के मामले काफ़ी ब्यूटीफुल है, मतलब आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा गेम देख के, मतलब जिसे आप कहेंगे ब्यूटीफुल, इंटेंस नहीं ब्यूटीफुल, एक बार आप खेलेंगे तो आपको पता लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ।
तो भैया ये तो हो गया नया भया, गेम में क्या था भैया से मारो गोली। अब बात कर लेते हैं गेम प्ले की, जो एक गेमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं इसके गेम प्ले की। भैया गेम प्ले में जैसा कि मैंने बोला कि ओपन वर्ल्ड है, तो आप ज़्यादा खुश मत होइए क्योंकि ओपन वर्ल्ड तो है, लेकिन अगर आप ओपन वर्ल्ड तभी है अगर आप इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी आप कोई मिशन आपने सेलेक्ट नहीं कर रखा है, आप सिर्फ एक्सप्लोरिंग पर निकले, सब GTA में गाड़ी लेके निकल पड़े, घूम रहे कॉलोनी में, किसी के तमाचा मार रहे, किसी के कुछ कर रहे हैं, अगर आप इस टाइप का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो ये ओपन वर्ल्ड है। मगर आपने कोई मिशन सेलेक्ट कर लिया है तो भैया ये ओपन वर्ल्ड एक लिमिटेड उसमें रह जाता है, लिमिटेड उसमें मतलब लिमिटेड एरिया में रह जाता है, क्योंकि जैसे आपने कोई मिशन सेलेक्ट किया, अब आप जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर मिशन का एरिया है, आप वो मिशन सेलेक्ट करने के बाद, वो मिशन स्टार्ट करने के बाद उस एरिया से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप बाहर निकलते हैं उस एरिया से तो स्क्रीन पर आपके काउंटडाउन स्टार्ट होगा और लिखा आएगा कि आप मिशन का एरिया लीव कर रहे हैं और काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। मान लो जैसे 15 सेकंड का काउंटडाउन होगा, आपको 15 सेकंड के अंदर वापस से उसी एरिया में आ जाना, नहीं तो आपका मिशन अबॉर्ट हो जाएगा, यानी कि मिशन लास्ट चेक पॉइंट से दोबारा कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो मिशन वहीं क्लोज और दोबारा से आप चेक पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि आपके प्लेयर की डेथ होने के बाद दोबारा से चेक पॉइंट पर पहुँच जाते और दोबारा मिशन कंप्लीट करते, सेम वैसे ही आप दोबारा से चेक पॉइंट पर पहुँच जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो भैया ओपन वर्ल्ड है लेकिन कुछ लिमिटेड, समझ रहे ना, कुछ लिमिटेड तरीके से ओपन वर्ल्ड है ये। तो भैया आप इस गेम को देख के कुछ लोगों को सकीरो और जो नियो है उसकी याद आ रही है, क्योंकि ये भी एक जापानीज टाइप का गेम है और स्वॉर्ड टाइप का गेम है, समुराई फाइटिंग टाइप का गेम है। तो भैया ये गेम ऐसा बिल्कुल नहीं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोच के इसको अवॉइड कर रहे हैं कि बहुत टफ होगा सकीरो और नियो जैसा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अलग टाइप का गेम है। अगर मैं सीधा सीधा कहूँ, छोटे में बताऊँ टफनेस के बारे में, टफनेस के बारे में आप कह सकते हो कि भाई ये होराइजन ज़ीरो डॉन जैसा। अगर आपने होराइजन ज़ीरो डॉन खेला है तो आपको पता ही होगा उस टाइप का गेम है ये, मतलब उतना ही टफ है जितना आपको ज़रूरत है, जितना गेम को इंटरेस्टिंग और अच्छा बनाने के लिए जितनी टफनेस ज़रूरी है उतना ही टफ है, फालतू का टफ नहीं है, समझ रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ। और इस गेम में पजल्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ गेम्स में क्या पजल्स घुसा दी जाते हैं, तो जानबूझ के थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा मतलब अजीब सा बनाने के लिए, थोड़ा दिमाग वाला बनाने के लिए। तो उसमें भैया सीधा सीधा गेम है, दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका एक ऑब्जेक्टिव है, उस एरिया में जाइए, ऑब्जेक्टिव पूरा कीजिए और वापस आ जाइए। इस टाइप का ये गेम है, पजल्स इसमें नहीं है, मुझे तो कोई पजल्स में नहीं मिले कि आपको बहुत ही मतलब दिमाग लगाना पड़ रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई पजल नहीं है इस गेम। भैया मेन वेपन जो है वो आपका कटाना है, कटाना आप जानते होंगे, वो जैपनी सोर्ड जो होती है कटाना। तो जाहिर सी बात है आपका जो हमारा हीरो है जिन, वो एक समुराई बेसिकली, तो जाहिर सी बात है समुराई का मेन वेपन कटाना ही है। और अगर थोड़ा डिटेल में कहूँ तो दो वेपन आपके होंगे, प्राइमरी वेपन आपका कटाना ही है, दूसरा वेपन जो आपका बो है, बो मतलब वो तीर धनुष जो होता है हमारा रामायण काल का वही, और तो आपके पास दो वेपन रहेंगे। इसके साथ आप थ्रोएबल वेपन्स भी होंगे, जैसे कि स्मोक बॉम्ब, कुनाई, ये बॉम्ब फलाना, ये मतलब थ्रो करने के आपके पास वेपन्स होंगे, मतलब वेपन क्या कहूँ या कुछ प्रोजेक्टाइल टाइप के वेपन्स कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एकदम से नहीं मिल जाएंगे आपको थ्रोएबल वेपन्स, और बो भी आपको एकदम से नहीं मिलेगा, धीरे धीरे गेम प्रोग्रेस करेगा आपका तो आपको ये वेपन्स मिलेंगे, एकदम से नहीं मिलेंगे। सबसे पहले जो आपके पास वेपन होगा वो कटाना ही है, कटाना ही आपका मेन वेपन है। तो भैया स्वॉर्ड फाइटिंग में अगर आपका मज़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मज़ा लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस गेम में बहुत स्वॉर्ड फाइटिंग है। बो एरो से आप इतना अच्छा नहीं खेल सकते, क्योंकि मतलब जो ओपोनेंट हमारे एनिमीज़ हैं मंगोल्स, वो भी बो एरो खेलते हैं, मतलब बो एरो उनके पास भी है, और जहर सी बात है आप अपने बो एरो मतलब फास्ट नहीं मार सकते जितना फास्ट वो मार सकते हैं आपको। तब इसमें कॉम्बैट सिस्टम जो है गेम में वो बेसिकली फ्री ओपन टाइप का कॉम्बैट सिस्टम है। फ्री ओपन टाइप का से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने गॉड ऑफ वार खेला हो 1, 2, 3 और होराइजन ज़ीरो डॉन खेला हो, डेज गॉन खेला हो, मतलब इसमें ओपन सिस्टम है फाइटिंग का। फाइटिंग का ओपन सिस्टम से बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कि इसमें जो है टारगेट लॉक नहीं होता एनिमी पे, आप किसी पर्टिकुलर एक, जैसे आपके पास 3 एनिमीज आपके सामने खड़े हैं और आप किसी पर्टिकुलर एक एनिमी को आप मारना चाहते हैं तो आप टारगेट लॉक कर सकते हैं किसी एक एनिमी पे। ज़्यादातर गेम्स में ऐसा होता है, जैसे डेविल मे क्राई में ऐसा है, सेकिरो में भी ऐसा है, नियो में भी ऐसा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ओपन टाइप सिस्टम है, यानी आपको जिस साइड जिस एनिमी को मारना है उस साइड जॉयस्टिक कीजिए कंट्रोलर की और अटैक का बटन दबाइए, वो उस साइड अटैक करेगा। सिंपल सिंपल गेम प्ले है इसका गॉड ऑफ वॉर जैसा। बट इसमें क्या है, पता नहीं ग्लिच है या क्या है, कभी कभी क्या होता है, अगर आप 3 एनिमीज खड़े हैं, एक सेंटर में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, तो अगर आप मारना चाहते हैं सेंटर वाले आदमी को, मतलब कि जो आपके फ्रंट में उसको मारना चाहते हैं, तो कभी कभी ऑटोमेटिकली साइड वाले को मारने लगता है। हम जॉयस्टिक कर रहे हैं फ्रंट की तरफ लेकिन ये राइट वाले की तरफ मारने लगता है, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। मुझे कभी कभी होती थी ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये अपने हिसाब से भी कभी कभी मारने लगता है, या यूँ कहूँ कि अगर कोई एनिमी आता है तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ फेस कर लेता है, मतलब इस साइड एनिमी आ रहा है ऑटोमेटिकली उसकी तरफ फेस कर लेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप खेलेंगे तो आपको पता लगेगा।
गेम में भाई साहब चार स्टांस, जैसे आप स्टांस का मतलब समझते हैं ना, स्टांस मतलब जैसे आपको फाइट करने तो आप एक पर्टिकुलर पोज में खड़े होते हैं फाइट करने के लिए। आपने अगर नियो खेला होगा तो आपको पता होगा हैवी स्टांस, लो स्टांस, लाइट स्टांस, तो नाम अलग अलग रख देते हैं उसके, लेकिन वो काम अलग अलग नहीं होते। मतलब बेसिकली खड़े होने का पोज है, स्पेसिफिक पोज। जैसे आपको हैवी अटैक करना है तो उसका अलग स्टांस है, लाइट अटैक करना है तो उसका अलग स्टांस है। तो इसमें आपको चार स्टांस मिलेंगे जो आपको प्लेयर को, वो भी धीरे धीरे ही अनलॉक होंगे। एकदम से आपको स्टार्टिंग में चारों के चारों खुले स्टांस नहीं मिल जाएंगे, धीरे धीरे अनलॉक होंगे जैसे जैसे आपका गेम प्रोग्रेस होगा। तो चार स्टांस है बेसिकली, चार टाइप के एनिमीज़ के लिए मैं बता देता हूँ एक बार। एक शील्ड के एनिमीज़ के लिए, एक स्पीयर लेके एनिमीज़ जाएंगे उनके लिए, एक सोर्ड वालों के लिए, और एक स्टंडो के लिए, मतलब जो हैवी एनिमीज़ हैं हथौड़े वथौड़े के साथ आएंगे उनके लिए। तो आपको उसके हिसाब से स्टांस स्विच करते रहने हैं फाइटिंग के दौरान। स्विच करने से बेसिकली यही होगा कि आपका जो फाइटिंग है वो इजी रहेगी। मतलब एक पर्टिकुलर एनिमी के लिए पर्टिकुलर स्टांस, अगर आप उस स्टांस से उस एनिमी को मारते हैं तो आप इजीली उसे मार सकते हैं थोड़ा कम एफर्ट करके। अगर दूसरा स्टांस, अपोजिट स्टांस यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी और एनिमी हो सकता है आपकी धुनाई भी कर दे। एक और नई बात है इसमें, इसमें जैसे आप कोई मिशन चूज़ करते हैं या आपको कोई टारगेट है मैप में जो आपने सेलेक्ट किया, मैप इसमें है, इस गेम में मैप है, आप में गेम में मैप खोल के एक पर्टिकुलर पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि यहाँ पर आपको जाना है और आपकी डायरेक्शन वहाँ तक, मतलब अपनी डायरेक्शन जैसे हर गेम में होता है आपको पॉइंट जो है गाइड किया जाता है एरोस के थ्रू, या ऊपर एक कंपास होता है आपने देखा होगा ऊपर, जैसे पबजी में ऊपर कंपास होता है जो डायरेक्शन बताता है, ऐसी हॉरिजॉन जीरो डाउन में भी था कंपास, बट इस गेम में कंपास नहीं है, ये नई चीज़ है। अब आप सोचेंगे भैया जो कंपास ऊपर है नहीं तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया विंड का। मतलब जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे स्क्रीन में विंड सी चल रही है, पत्ते उड़ रहे हैं, तो इस गेम में क्या है, आप विंड को फॉलो करते हैं अपने टारगेट तक जाने के लिए। मतलब टारगेट के जब आप 50 मीटर तक आएंगे तब आपको दिखाई दे जाएगा वो टारगेट कहाँ है, 50 मीटर दूर तो ऐसे ही दिखाई दे जाएगा कहाँ पे, मतलब मार्कर से, बट अगर दूर है 50 मीटर ज़्यादा तो आपको विंड को फॉलो करना है इस गेम में। मतलब विंड ब्लो करने, विंड ब्लो करेगी, ब्लो क्या करेगी बेसिकली, आपको मैनुअली ब्लो करनी है, तो विंड ब्लो करेगी, विंड की डायरेक्शन देखनी है और जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है उस डायरेक्शन में आपका टारगेट है। तो भैया घोड़ा ले लो और निकल पड़ो हवा की दिशा में, जिस दिशा में हवा आपको रास्ता बता रही है। भैया जो विंड ब्लो करती है वो आपकी ब्लो करती है कंट्रोलर का जो एक बीच में एक स्क्वायर सा पैड होता है, देखा होगा, जैसे टच पैड कहते हैं आप डुअल शॉक 4 में, तो अगर आप ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे उस डुअल शॉक के टच पैड को तो विंड ब्लो करेगी। आपको डायरेक्शन देखनी तो विंड ब्लो करेगी और डायरेक्शन देखिए, अगर लेफ्ट साइड स्वाइप करोगे तो भाई साहब ये बांसुरी बजाता है चैन की बंसी, और अगर राइट साइड स्वाइप करते हो आप तो भाई साहब ये सोर्ड को अंदर कर लेता है, मतलब सोर्ड को वापस से अपनी जो अपनी क्या कहते हैं उसको स्कैबर्ड या मायान कहते हैं हिंदी, मायान में डाल लेता है। अगर नीचे करते तो झुक के आपका अभिवादन करता है ऐसे, जैसे जैपनी यूज़ करते। तो इसमें आपको टच पैड जो है इस गेम में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, बार बार आप ऊपर स्वाइप करेंगे, जब भी आप घोड़े पे जाएंगे तो आप डायरेक्शन बार बार देखेंगे, हर सी बात है, तो आप बार बार ऊपर स्वाइप करते रहेंगे। तो भैया जितना मैंने इस गेम में स्वाइप किया है टच पैड को कंट्रोलर के, उतना मैंने ज़िंदगी में किसी गेम में स्वाइप नहीं किया। तो ये थोड़ा अलग लगा इसमें कि बिना कॉम्पास के आपको विंड के थ्रू, आपको मतलब विंड की डायरेक्शन देख के आपको अपने पॉइंट तक पहुंचना है जो आपने सेलेक्ट किया मैप में, या जो आपका ऑब्जेक्टिव है वहां तक पहुंचना है, तो ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा। और जैसे कि होराइजन ज़ीरो डॉन आपने खेला ही होगा, उसमें आप रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे, पेड़ पत्ते बकरी की खाल ये वो, और उससे अपना जो वेपन है वो अपग्रेड करते थे। इसमें भी ऐसा ही है, फ्लावर्स कलेक्ट करिए और इसकी खाल कलेक्ट करिए और ये वो ढंगाना जो भी चीज़ें होती है जंगलों में वो सब कलेक्ट करिए, इसके थ्रू अपने वेपन अपग्रेड आप कर सकते हैं। इसमें भी ऐसा ही है, वेपन अपग्रेड करने के लिए, डैमेज अपग्रेड करने के लिए, जो भी वेपन्स में अपग्रेड होती हैं उनको करने के लिए आपको रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और, इसमें आप जो है अपने वेपन्स, यानी कि जैसे कि अपने थ्रोएबल वेपन्स जो हैं, जैसे कि अपना कुनाई हो गया, एरोज हो गए, और डिफरेंट टाइप ऑफ एरोज हैं, और बॉम्ब, स्मोक बॉम्ब, ये सब क्राफ्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि कुछ गेम्स में आपके अपने वेपन क्राफ्ट कर सकते हैं, ऐसे जो थ्रोएबल बॉम्ब टाइप के वेपन्स होते हैं क्राफ्ट कर सकते हैं। ऐसे ही होराइजन ज़ीरो डॉन या लास्ट ऑफ अस में आप जो है ये वेपन क्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये वेपन जो है एनिमीज, जैसे आप किसी एनिमीज़ को मारते हैं, एनिमी डाउन होते हैं तो उनसे आप कलेक्ट कर सकते हैं, बाकी आप वेपन इसमें क्राफ्ट नहीं कर सकते, क्राफ्टिंग का कोई ऑप्शन इसमें नहीं है वेपन्स के लिए। अब बात कर लेते हैं स्किल्स की, तो भैया इसमें जो स्किल्स हैं वो भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, जैसा कि आपने होराइजन ज़ीरो डॉन देखा होगा, ओपन वर्ल्ड था, ऑब्वियसली बार बार होराइजन ज़ीरो डॉन का ही नाम ले रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने वो गेम खेला है तो मुझे कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ लगी उस गेम की और इस गेम की, तो मैं इसलिए बार बार होराइजन ज़ीरो डॉन से कंपेयर कर रहा हूँ इसको। तो उसमें एक स्किल का चार्ट होता है, देखा होगा आपने, नहीं तो पीछे स्क्रीन में मतलब आ रहा होगा आपके, स्किल्स का चार्ट है, काफ़ी लंबा चौड़ा स्किल्स का चार्ट है इस गेम में, ये अपने गोस्ट ऑफ सुशीमा में। तो सेम वैसे ही आपको जो भी आप बैटल करते हैं, जो भी आप कैंप को फ्री करते हैं मंगोल से, तो आपको स्किल पॉइंट्स मिलते हैं, तो स्किल पॉइंट्स का यूज़ करके अपने जो नए नए स्किल्स हैं वो अनलॉक कर सकते हैं। वैसे ही सेम है जैसे कि होराइजन ज़ीरो डाउन था, स्किल पॉइंट्स अर्न कीजिए और अपने स्किल अनलॉक कीजिए।
तो बेसिकली आपके गेम में तीन टाइप के मिशन आपको मिलने वाले हैं। पहला है जिनकी जर्नी, जिन्स जर्नी जो मेन स्टोरी मिशन है जिनको कंप्लीट करके अपना गेम कंप्लीट कर सकते हैं फाइनली। और जो दूसरे टाइप के मिशन है वो हैं टेल ऑफ सुशीमा, मतलब सुशीमा में हमारे जिन जो हीरो है हमारा, उसके अलावा और भी लोग हैं, और भी योद्धा हैं, और भी वॉरियर्स हैं जिनकी अपनी स्टोरीज हैं, किसी की फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बेसिकली वो मिशन है जो वो है टेल ऑफ सुशीमा में, वही मिशन है जो सुशीमा में मतलब मेन स्टोरी के अलावा चल रहे हैं। आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनकी मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं मिशंस कंप्लीट करके सॉल्व कर सकते हैं, बदले में आपको स्किल पॉइंट्स मिलेंगे। और तीसरा मिशन जो है वो है मिथिकल टेल्स, जो सुशीमा के अंदर टेल्स चल रही है यानी कहानियाँ चल रही हैं, जैसे कि वहाँ पे एक प्रेत है, वहाँ जंगल में वो रहता है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करते हैं आपको स्किल पॉइंट मिलेगा जो कि आपके अपग्रेड में हेल्प कर सकता है। पर मेन जो स्टोरी हमारे स्टोरी मिशंस वो हैं जिनकी जर्नी में, बाकी दो ऑप्शनल है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं अपग्रेड्स के लिए, अच्छी बात है, आपकी मर्जी है। और एक बात है कि इसमें कोई भी मिशन बहुत लंबा नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, नॉर्मल डिफ़िकल्टी की बात कर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ। और इसमें कोई मिशन बहुत लंबा नहीं कि आप एक घंटे तक डेढ़ घंटे तक एक ही मिशन कर रहे हैं, बहुत लंबा मिशन है जी, बहुत लंबा, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम हो सकता है आधे घंटे, मतलब बहुत ज़्यादा होगा तो 40 मिनट के अंदर आप एक मिशन कंप्लीट कर ही लेंगे, मतलब बहुत जल्दी आप मिशन कंप्लीट करते जाएंगे। जैसा कि मैंने गेम खेला है तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आपका स्किल लेवल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई मिशन बहुत बड़ा मिशन नहीं है, छोटे छोटे मिशन हैं सभी के सभी। तो भाई बात कर रहे थे गेम कितना लंबा है, भाई गेम बहुत लंबा तो नहीं कहूँगा, बहुत छोटा भी मैं नहीं कहूँगा, तो ये गेम उतना ही लंबा है जितना होराइजन ज़ीरो डॉन था, फिर से होराइजन ज़ीरो डॉन मैंने घुसा दिया बीच में, तो उतना ही लंबा है। मतलब आप थोड़ा थोड़ा डेली खेलते हैं, थोड़ा मतलब एक डेढ़ घंटा खेलते हैं आप, तो आप इसे मुश्किल से तीन हफ्तों में कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं। मैं इसे करीब दो तीन घंटे डेली खेलता था और मैंने इसे दो हफ्ते में कंप्लीट कर लिया है, मैं अपनी बता रहा हूँ। बाकी आप किस लेवल से खेलते हैं, कितनी स्पीड से खेलते हैं, आप पे डिपेंड करता है। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप मेन मिशन स्टोरी मिशन कंप्लीट करते हैं तो आप गेम को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, पर आप अगर अपग्रेड के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि आप क्योंकि आपकी हर चीज़ कम कम रहेगी तो आपको मेन मिशन करने में बहुत दिक्कत होगी, आप बार बार मर सकते हैं क्योंकि आप अपग्रेडेड नहीं हैं, तो आप साइड मिशन करेंगे आपको अपग्रेड मिलेगा, आप इजीली मेन मिशन कर सकते हैं। या आप ज़्यादा एक्सपर्ट है तो डायरेक्ट मेन मिशन कंप्लीट कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। मैंने तो अपने साइड मिशन भी कंप्लीट किए थे पहले, उसके बाद मैं पूरी तरह अपग्रेड करके मेरी हेल्थ वेल्थ सब अपग्रेड हो गई, सारे स्किल्स अनलॉक मैंने कर लिए थे, उसके बाद मैंने मेन मिशन कंप्लीट किए जो मेन थे लास्ट में, जब मैं गेम को समझ गया कि मेन मिशन अलग हैं और ये मिशन अलग हैं, ये अपग्रेड्स के लिए हैं और वो जो हमारी स्टोरी थी कंप्लीशन के लिए, तो उसमें फिर मैंने ऐसा है कि अपना अपग्रेड करके फिर मैंने मेन मिशन कंप्लीट किया। तो आपकी चॉइस है, आप गेम कैसे खेलना चाहते हैं, आपकी स्किल पर डिपेंड करता है, पर मेन मिशन ज़रूरी है आपकी स्टोरी कंप्लीट होने के लिए। तो भैया बात कर रहे थे गेम कितना टफ है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ सेकिरो और नियो जैसा टफ ये गेम नहीं है, बस इसमें थोड़ी स्वॉर्ड फाइटिंग की टेक्निक है। आपने ऐसी स्वॉर्ड फाइटिंग सच में कभी की नहीं होगी किसी गेम में, मतलब ब्लॉक भी करना है आपको, अटैक भी करना है, उसमें भी अलग अलग मूव्स हैं, तो स्वॉर्ड फाइटिंग काफ़ी अच्छी है। अगर आप थोड़ा सा टैक्टिक समझ लेंगे इसकी, टाइम पर ब्लॉक करने की, टाइमली ब्लॉक की और अटैक की, तो आपको स्वॉर्ड फाइटिंग में मज़ा आएगा, सही बता रहा हूँ आपको, इसकी कॉम्बैट जो है इसमें काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप करते हैं तो। गेम जो है टफ तो मैं नहीं कहूँगा, बाकी ठीक है थोड़ी सी टेक्निक तो हर गेम में होती है, टफ गेम नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, टफ नहीं है, शॉर्ट फाइटिंग है बस। तो भाई बहुत हो गया गेम प्ले के बारे में, मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया, तो अब काम की बात कर लेते हैं। बात यह है कि भाई गेम जो है मेरी नज़रों में क्या है, मुझे क्या लगता है गेम कैसा है, मतलब मेरे क्या मायने हैं, मेरे क्या राय इस गेम के बारे में, मैं क्या सोचता हूँ। तो भाई मैं ये सोचता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा गेम ग्राफिक में बहुत इंटेंस है या गेम जो है एक्सक्लूसिव है या गेम जो है मतलब मोस्ट अवेटेड गेम, इंतजार कर रहे लोग इसका सालों से, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बजाय इसके भैया एक शब्द कहना चाहता हूँ इस गेम के बारे में, एक शब्द, वो है ब्यूटीफुल। सही में ये गेम जो है गेम प्ले में ब्यूटीफुल है, आप खेलेंगे तो पता लगेगा, अलग टाइप का गेम प्ले थोड़ा इसका। दूसरा ग्राफिक्स में ब्यूटीफुल है, जो जैपनीज एरा का इसमें मतलब जो नेचुरल ब्यूटीज़ दिखाई गई हैं, पेड़ पौधे फूल मतलब हिल्स, बहुत अच्छा लगे आपको खेलेंगे तो। और स्टोरी भी इसकी ब्यूटीफुल है, बहुत तो अच्छी स्टोरी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो हर तरह से मुझे गेम काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो मैं इस गेम को दूंगा, मेरे हिसाब से मांगोगे तो मैं इसे देने वाला हूँ भाई 10 में से 10 दुआ। मुझे इसमें कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट तो दिखा नहीं इतना बड़ा कि मैं कुछ करूँ। तो भैया गेम हर मामले में अच्छा है, आप ट्राई कीजिए, मतलब अच्छा है गेम, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा गेम है। मतलब सकर पंच ने काफ़ी अच्छा पंच दिया लोग, वो है थोड़ा सरप्राइज कर दिया गेम दिखा के। तो भैया अब आप सोच रहे होंगे कि ये गेम आपको ट्राई करना चाहिए, खरीदना चाहिए, कहीं पैसे बर्बाद तो नहीं है। तो भैया मैं कहता हूँ ये गेम आपको ज़रूर खरीदना चाहिए भाई, इतना सब कुछ मैंने बता दिया गेम के बारे में, अब भी आप नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे भाई, बाद में पछताना मत भाई नहीं खेला तो। खरीदो, दोस्त से लो, कहीं से भी लो, कॉपी लो, अपनी अपनी कॉपीज लीजिए सब भाई, और खरीदिए खेलिए इसको, मतलब थैंक्स बाद में कह लेना, पर खेल लो पहले, और मतलब आपको पछतावा नहीं होगा, मतलब मैं कह रहा हूँ पछतावा नहीं होगा तो मान लीजिए, क्योंकि गेम काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है।
और दूसरी बात, मैं एक छोटा सा स्पॉयलर बता देता हूँ, स्पॉयलर तो नहीं कहूँगा, कि भैया जो स्टोरीज़ होती है हमारी लाइफ की उसकी एंडिंग हमेशा अच्छी नहीं होती। अब समझ गए मैं क्या इशारा कर रहा हूँ, तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा मैं, बस थोड़ा इशारा कर दिया मैंने गेम के बारे में। तो ठीक है साहब, और क्या कहूँगा। और हाँ, तो भैया ये था मेरा रिव्यू जो हो गया ख़त्म, फाइनल थोड़ा लंबा ज़्यादा हो गया, बट मैंने हर डिटेल को कवर करने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन तो अपने चैनल कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपडेट्स के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी वीडियो में मिलेंगे दोबारा, जहर सी बात है, तो मिलते हैं तब के लिए, बाय बाय, टाटा, सी यू।